नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी कुशीनगर से आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कार्यक्रम रद्द हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से। कुशीनगर में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो होने जा रहा था, महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होना था। कार्यक्रम में मौजूद रहे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की इस वक्त की बड़ी खबर। तो कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, लेकिन स्मृति ईरानी का दौरा जो है वो रद्द हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होना था स्मृति ईरानी को, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कार्यक्रम रद्द हो गया है। कुशीनगर से आदित्य पांडे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, क्या कारण बताए जा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन उनका कार्यक्रम किसी वजह से रद्द हो गया। जैसा कि आप बता दें कि कुशीनगर के बुद्धा पार्क में आज भाजपा का महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आना था और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी प्रशासन का भी आगमन हो रहा है, लेकिन किसी कारण सभी कारण का कोई पता नहीं चल रहा है। उनका जो आगमन था वो निरस्त किया गया है, अभी भी कोई एक्सेप्टिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन इनका जो कार्यक्रम था, स्मृति ईरानी का जो कार्यक्रम था, उनका निरस्त कर दिया गया। जी अभी कार्यक्रम जारी है आदित्य जी। जैसा कि आप बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का आगमन होना है, अभी आगमन हुआ नहीं है, अभी कार्यक्रम जारी है और अभी इनका जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम 2 बजे तक चलेगा। जी आदित्य, क्योंकि लगातार जनसंपर्क अभियान जो है तमाम अलग अलग राज्यों में बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसमें जुटा हुआ है। फिलहाल अगर हम कुशीनगर की बात की जाए, महाजनसंपर्क अभियान चला है, कार्यकर्ताओं को हुजूम वहां पर जुटा है, कितना उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? जैसा कि आपको बता दें कि जो महासंघ अभियान है उसमें जो कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी देखने को मिल रहा है और 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें जो भी स्थानीय नेता है दमखम लगा दिए है कि हर लोग कार्यकर्ता को जिताने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ जितने भी आसपास के लोग हैं यहाँ उपस्थित है और लोगों ने उत्साह दिखा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने आधुनिक जंगी जहाजों का एयर शो जो है वो किया है। तीसरी बार सेना के अधिकारी एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और साथ ही एयर शो को लेकर 12 किलोमीटर के रूट को डायवर्जन किया गया है। वायुसेना ने एक्सप्रेसवे पर वायुसेना की ताकत को दर्शाया है। तो फिलहाल वायुसेना की ताकत एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद रोमांच से भरा ये मौका रहा जब एयर शो के जरिए यहां पर एक के बाद एक जो जंगी जहाज है, हवाई जहाज है, उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्ट्रिप डाउन किया। तो बता दें आपको, यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो शुरू हुआ। फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज के अरवल किरी करवत में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का अभ्यास किया। 4 घंटे चलने वाले इस एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया था। इससे पहले 2018 में एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन ने टच एंड गो किया था। तो एयर शो को देखने के लिए आसपास के 25 से 30 गांव के लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि एयरफोर्स के अफसरों ने ग्रामीणों को 1-2 किलोमीटर पहले ही यहां पर रोक दिया। बता दें आपको, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, काफी रोमांच भरा जो ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो यहां पर देखने को मिली। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो यहां पर चला, जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज ने भाग लिया। दरअसल शनिवार को ही हो रही इस एयर शो का जो मकसद था वो आपात स्थिति में फाइटर जेट को एक्सप्रेसवे पर ही लैंड कराना होता है और सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे तक ये एयर शो जो है वो चला। इस दौरान लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर समेत कई अन्य विमानों ने भी करतब दिखाए और फाइटर जेट ने एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो की एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज के लिए 12 किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया था। आशीष मिश्रा सुल्तानपुर से हमारे सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो जिस तरीके से हुआ,
काफी रोमांच भरी तस्वीरें जो हैं वो आज देश ने देखी एक बार फिर से। आशीष आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी मैं आ रही हूँ। आशीष आशीष, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज जिस तरीके से वायुसेना के लड़ाकू जंगी हवाई जहाजों ने अपना वो कर्तव्य दिखाया और जिस तरीके से जो तस्वीरें सबके सामने आई काफी ज्यादा रोमांच से भरी थी। जी यहाँ का सुल्तानपुर के अगर लोकल की बात कर लें, आसपास के लोग ने काफी खुशी का माहौल देखने को मिला है। यहाँ काफी भीड़ भाड़ के साथ, अगल बगल के लोग काफी भीड़ भाड़ के साथ जो है यहाँ पे मौजूद रहे हैं। जी जी बिल्कुल आशीष, हालांकि इस दौरान ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसका प्रदर्शन हुआ। हालांकि इसका जो पूरा अभ्यास था उसका मेन मोटिव तो यही था यहाँ पर कि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान, अगर किसी भी आपात स्थिति में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय वायुसेना की ताकत है वो यहाँ पर देखने को मिली। जी जी बिल्कुल, बता दें यहाँ पे अगर कोई आपातकालीन कोई ऐसी वारदात अगर सामने आती है तो यहाँ पे ये एयर स्ट्रिप कूड़े भार स्थित अरवल कीरी के पास यहाँ पर ये स्ट्रिप बनाया गया है, यहाँ पे लड़ाकू विमान एयरफोर्स का यहाँ पे उतारा जा सकता है। बिल्कुल आशीष, हालांकि इस दौरान हमने यहाँ पर देखा अभी ये जो एयर शो है वो आज और कल भी होगा। जी मैम, अभी तक जो है आगे की सूचना अभी हमारे तक नहीं पहुंच पाई है, जैसे भी सूचना आती है मैं आपको अपडेट देने का जरूर कोशिश करूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, बता दें कि इस एयर शो के लिए पहले से ही तैयारियां जो है वो चल रही थी। 9 जून को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जयसिंहपुर के अरवल किरी करवत में बनी एयर स्ट्रिप पर IAF के अधिकारी भी पहुंचे थे। बढ़ेंगे आगे, उत्तर बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के बावजूद बीजेपी प्रदेश में अच्छी सीटों से जीतेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 80-80 सीटें जीतेगी, विपक्ष पूरी तरह से यहाँ साफ है और विपक्षी एकता की कवायद कभी भी धरातल पर नहीं उतरेगी। ये कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं जबकि भाजपा देश के लिए लड़ रही है। उधर आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर पहुंचे और जहां उन्होंने रेलवे की ओर से बनाए गए विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सहारनपुर वासियों की मांग पर सहारनपुर से मां शाकुंभरी देवी से होते हुए देहरादून तक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। 82 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के लिए जल्द ही सर्वे कार्य का शुरू होगा। साथियों, थोड़ी ऊपर को राइड, सहारनपुर के सभी निवासियों को मेरा बहुत ही अभिनंदन। जिस तरीके से आप साले साले नीचे का राइड किया है, साले साले नीचे का राइड ऊपर चढ़ रही यार। कई यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए जल्दी से जल्दी कम समय में। सहारनपुर की ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो 1.5 वर्ष पहले मेरे नज़र में आप सब ने लिया था। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मेयर साहब और बहन सीमा के पवित्र हाथों से आज ये बड़ा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रकल्प आज उद्घाटित हुआ है। साथ ही साथ साथियों, माता शाकुंभरी देवी के पवित्र तीर्थ स्थल पर रेलवे लाइन ले जाने का सबका बहुत बड़ा एक डिमांड था, उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसका पहला स्टेप लिया गया है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है ये, जिसमें पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनानी पड़ेंगी, कई तरह की नदियाँ हैं उनके ऊपर ब्रिज बनेंगे, उसके लिए 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं पूरा कंप्लीट सर्वे करने के लिए। तो आगामी 12 से 18 महीनों के अंदर सर्वे कंप्लीट होगा, जंगल पहाड़ नदी नाले उसके अंदर से कंप्लीट सर्वे कंप्लीट होगा और 81 किलोमीटर की जो नई लाइन बनेगी सहारनपुर से देहरादून उसका आज प्रथम स्टेप लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के छात्र अब 50 महापुरुषों को की जीवनी को पढ़ेंगे, जिसको लेकर यूपी बोर्ड ने पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। 2023-24 के सत्र में नैतिक का शिक्षा पाठ्यक्रम में महापुरुषों के जीवन गाथा को शामिल कर लिया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं महापुरुषों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जुलाई से छात्र अपने पाठ्यक्रम में महापुरुषों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे।
तो बता दें आपको कि छात्रा अब महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे, ये बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है और 50 महापुरुषों की जीवन गाथा को इसमें शामिल किया गया है ताकि जो देश के युवा हैं वो उन महापुरुषों के सिद्धांतों को पढ़ सकें, उन्हें अपने जीवन में अपना सकें और यही वजह है कि ऐलान यहाँ पर किया गया है। सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ इस बीच संवाददाता जुड़ गए हैं। सैयद, क्योंकि अब बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर और देश के जो युवा हैं वो उन महापुरुषों के सिद्धांतों को सीख सके, उसमें आत्मसात कर सके अपने जीवन में, यही उद्देश्य के साथ ये बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि अब यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं वो उनके पाठ्यक्रम में उन महापुरुषों की जो गाथाएं हैं, उनकी जो जीवनियां हैं वो प्रकाशित होंगी। बड़ा फैसला लिया गया, इसके लिए मंजूरी भी शासन से मिल गई है और इसको लागू किया जाएगा। अब सिलेबस नया होगा फिर से 2023-24 के सत्र में नैतिक पाठ्यक्रम में शामिल की गई है जीवन, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, नाना साहेब रमन और बेगम हजरत पास समेत 50 महापुरुषों की जीवन गाथा है। मगर कहीं ना कहीं इसमें एक सवाल जरूर खड़े हो रहे वीर सावरकर की जीवनी को लेकर, जिस पर अब विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर होता नजर भी आ रहा है। मगर हाँ, ये सिलेबस जिस तरह से चेंज हुआ है इसमें कई नए महापुरुषों के बारे में अब सिलेबस में दिया गया है, जिससे कि जो नए युवा और नई पीढ़ी होगी उनको महापुरुषों के बारे में जरूर पता चलेगा। सैयद, कब तक इनके पाठ्यक्रमों में इसका प्रकाशन जो है हो जाएगा? क्या इसी सत्र से बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसमें महापुरुषों की जीवन गाथा को पढ़ाया जाएगा? जी हाँ, जो इसी वर्ष के जो अब नए सिलेबस होंगे उनमें पढ़ाया जाएगा और इसमें कंपलसरी भी किया गया है कि कुछ इसमें उनको कहीं ना कहीं इसमें पास होना होगा और इसमें कहीं ना कहीं सफल होना पड़ेगा। और इन सिलेबस को खास तौर से इसीलिए लाया गया है जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी जाने। जाहिर तौर पर सैयद, क्योंकि कुछ इन्हीं बातों का जिक्र कई बार हमने सुना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करते हुए और इस पर जोर हमेशा से दिया गया है कि जो महापुरुष हैं उनकी जीवन गाथा को जो राज्य के युवा बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, और शायद यही वजह है कि एक तरीके से प्रदेश सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे अमलीजामा जो है वो पहनाया जा रहा है। जी हाँ, ये सरकार का पीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको लेकर ये काम करा जा रहा था और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज है क्योंकि हमारी संस्कृति को कहीं कहीं युवा पीढ़ी भूलते जा रहे थे और वेस्टर्न कल्चर की ओर लोग जा रहे थे, मगर कहीं ना कहीं इससे एक बहुत अच्छी चीज सामने निकलना के आएगी। जिस तरह से हमारे देश को आजादी मिली, जिस तरह से योगदान था महापुरुषों का, जिस तरह से आज हम आजादी से घूम रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये महापुरुषों की देन है जिनके बारे में अब हमारी युवा पीढ़ी जानेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो 50 महापुरुषों के जीवन गाथा को शामिल पाठ्यक्रम में किया जाएगा यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में। जुलाई से छात्र अब जो महापुरुषों की जीवन गाथा है उसे अब पढ़ सकेंगे छात्र, और ये बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। तो यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रमों में ये बड़ा बदलाव जो है वो होने जा रहा है। तो जुलाई से अब छात्र इन महापुरुषों की वीर गाथा को सुनेंगे।